नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दिल्ली का लाल किला है। कई सौ साल के गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने से और लाल किले से उनका झंडा हटाकर अपना तिरंगा लगा देने से क्या गुलामी वाकई दूर हो गई? सच तो यह है कि आज भी हमारे देश के लोग गरीबी के गुलाम हैं, बीमारी के गुलाम हैं, डर है बढ़ती बेरोजगारी का, भविष्य का और महंगाई से पैदा होने वाले तनाव का। राज करने वाले आज भी उसी तरह राज कर रहे हैं। कोई पूंजीपति है तो कोई नेता है तो कोई। ये कहानी भी राज करने वाले एक ऐसे ही राजा की है, ऐसे जालिम राजा की जो आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तुम इधर आओ। Thank you.
तो बड़ी तकदीर वाली है जो तुझे मेरे निशान का आशीर्वाद मिल गया। आओ, यहाँ पर पड़ी हर चीट पर ऐसा ही निशान है, सिर्फ एक चीट छोड़कर, जिस पर मेरा ये निशान नहीं है उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है वहां मौत है मौत। ले बेटी, एक साल के लिए इसे माथे पर लगा ले, जा भाग। बैठ। बच्चे ने इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, इसने मेरा दिल जीत लिया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हंसो, जोर से हंसो, स्टूल लाओ। तुमने हमारा दिल जीत लिया है, ये देखो मैंने तुम्हें राजा का हार पहना दिया, और अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगा। कहानी? हाँ, एक सच्ची कहानी। लो सेब खाओ, सेब खाओ। सुनाओ कहानी। एक था राजा, सारी रियासत में उसी का राज था, उसी का झंडा लहराता था, वो देखो झंडा बेटे। फिर कुछ पागल चिल्लाने लगे कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, और तभी एक पागल ने मेरा सुंदर सा झंडा हटाकर उसकी जगह तीन रंग का तिरंगा झंडा लगा दिया। अरे हमारा झंडा तो अंग्रेजों ने भी नहीं हटाया था, फिर एक हिंदुस्तानी कैसे हटा सकता है? राजा को गुस्सा आया, उसने तलवार उठाई और तिरंगे झंडे वाले का सर काट दिया। वो था राजा, और राजा तो कुछ भी कर सकता है, कर सकता है ना? हाँ, कर सकता है। बड़े समझदार बच्चे हो। लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। फिर क्या हुआ? फिर तिरंगे झंडे वाले की पुलिस आ गई, उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, सब लोग राजा से डरते थे। राजा से डरना ही चाहिए ना? समझदार हो, बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारी उम्र का एक बच्चा बोल पड़ा कि तिरंगे झंडे वाले का खून राजा ने किया है। उन्होंने राजा को गिरफ्तार कर लिया, राजा की रानी ये देखते ही मर गई है।
उस छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सब कुछ मिटा दिया, खत्म कर दिया। तभी राजा ने सोचा कि जब तक इस देश के बच्चे हिम्मत वाले होते रहेंगे तब तक राजाओं का राज नहीं चल सकता। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि राजनगर के लोगों के दिल में इतना डर, इतना खौफ भर दूं कि हिम्मत के लिए उनके दिल में जगह ही नहीं रहे। और इस बच्चे ने तो आज हमारा दिल जीत लिया है, हम इस पर बहुत खुश हैं। आज सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। नाचो नाचो नाचो। तू दर्द देता है तो उसकी दवा पहले पैदा कर देता है। तूने ये शैतान तो बना दिए, लेकिन इनके जुर्म से बचाने के लिए फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? या अल्लाह। जायला अब तक काला हीरो आला रे। होल्ड। मेरा नाम है रामोजीराव, राणोजीराव, शिवाजीराव का एक बार जाड़ी मुख अर्जुन ठाक गए, बड़े बड़े को टांग चुका हूँ। अगर मेरे इलाके में चोर चकारी की तो तुम दोनों को भी टांग दूंगा, समझ लचका है। चोरी? जब से आपने चार संभाला जी, चोरी छूट गई हमारी। आजकल तो हम सोशल वर्क करते हैं। गुड सर। सर आपका पर्स। दो चिकन तंदूरी, दो चिकन फ्राई, दो चिकन पाई, दो चिकन हांगकांग, दो प्लेटें पिंग पॉन्ग, सारे गांव पधनी सा, सारे धापा मगरे सा, 12 प्लेटें हो गई, 12 प्लेटें आप खा चुके, सब मिलाकर हो गई 24 प्लेटें। 24 और ले आओ। क्या 24 प्लेटें और? एक काम करो, 24 रहने दो, दो दर्जन ले आओ। ये बात हुई ना? ओके 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 ओके। अरे सुनो, रेड पैरेट। यस सर। वो अपने धीरू भाई है ना, उसे कोई मुर्गी मुर्गी खिलाएगी नहीं? धीरू मुर्गी नहीं खाता, मुर्गी का दूध पीता है। उसका बस चले तो वो बटेरी का, चींटी का दूध भी पी जाए। उसे मलाई मार के दूध पिलाओ। वाह, दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और। खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दूध 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 थारू गाय का हो, आप जैसी। मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दूधारू और तंदुरुस्त नहीं है? आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजी देखने से तो पता लगता है ना। देखने से? हाँ, वो कहा है कि आजकल हम तुम्हारे पिछवाड़े जो रहने लगे, अक्सर तुम्हारी बंधी हुई गाय नजर आती है, बहुत तंदुरुस्त है। कभी कभी आ जाएं घर दूध पीने के लिए? हाँ, मोस्ट वेलकम। अभी चलें? अभी? हाँ, वो कहा है कि हम मथुरा के रहने वाले हैं ना, किशन कन्हैया की नगरी के, इसलिए दूध के मामले में वो आपके नोट गिर गए। क्या कह रहे थे, हम दूध के मामले में सब्र नहीं कर सकते, चाहे वो दूध किसी गाय का हो या भैंस का हो। और सांड का? तुम? हाँ मैं। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गया ना तुम्हारे ठिकाने तक। कहाँ है वो तेरा दूसरा साथी? उस दिन तुम लोगों ने मेरा 5 लाख का नुकसान कराया, आज बदले में मैंने 5 मन सांड का दूध ना पिलाया
तो मेरा नाम भी छेदी राम नहीं। अबे हट छेदी राम, आज आपने गलत जगह हाथ डाल दिया ना। मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। पहली बात तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी वेरी बिजी ड्रिंकिंग काउज मिल्क। और दूसरी बात ये कि आज मेरा फाइटिंग डे नहीं है। फाइटिंग डे उसका, देखो बैठा, उसको जाके सांड का दूध पिला। हाँ, और मेरे को गाय का दूध पीने दे। अबे ओए। हाँ समझ गया समझ गया। देख, अगर तैने उसको चित कर दिया तो समझ ले मैं भी चित, और तेरे 5 लाख का नुकसान मैं भरूंगा। अब जा, डू नॉट डिस्टर्ब। ये बात है? हाँ। तो फिर देख तमाशा। हाय हाय। ये भी गया? ओए, तू आदमी या पत्थर का थैला? कोई रिएक्शन नहीं दे रही है? ओए मोटे, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं मार रही हूं, तू खा रही है? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो आप मैं खाना खिलाता हूं। अबे छेदी राम, अब तेरे छेद का क्या होगा? अरे अरे क्या कर रही हो? आता हूँ आता हूँ। खत्म हो गया। डू नॉट डिस्टर्ब। क्यों रे छुद्दो, तेरे भेजे के छेद खुले के दुमक रख के? नहीं नहीं उस्ताद, 15 किलो का हाथ दोबारा नहीं खा सकता। छुद्दू राम जी, 15 किलो का हाथ भारी लगे तो उंगली चलेगी क्या? नहीं ना उस्ताद, इस जन्म के लिए अब गुरु में चला। बात सुन ले छेदी राम, वो हेरा फेरी करे तो भी छोड़ दूं, चोरी चिकारी करे तो भी मैं छोड़ दूं, और कोई छोरी ने छेड़े उसे भी मैं माफ कर दूं, पर कोई मेरे भोजन की तरफ आंख उठा के देखे, उसकी आंख नोच लूं, उसकी टांग पे टांग रख के चीर के सब उसके गले में डाल के उसके बेबे के पास भेज दूं मैं। उस्ताद इस बार माफ कर दो। जा माफ किया। तू माफ की देने वाला कौन है? बहन के टके तेरा के बाप तू लग गया। अरे ये सब छोड़ो, घर में तूफान आया है। रामू से पूछो, बताओ यार क्या हुआ? गायत्री दीदी बहुत गुस्से में है, सुबह से अब तक भूखी प्यासी तुम लोगों का इंतजार कर रही है। आज हो गई इंतजार की, देख लूंगी दोनों को, उन्हें तो इतना भी ख्याल नहीं कि आज रक्षाबंधन है। अरे बैठ गए होंगे कहीं दारू पीने, क्यों शाम? हाँ, हाँ। दीदी आजकल तो उन लोगों ने कोठे पर जाना शुरू कर दिया, और वो भी दिन में। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये लीजिए झाड़ू, इससे अच्छी पिटाई होगी। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं कि बहन सुबह से इंतजार कर रही है। वो भी भूखी प्यासी, वो भी बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं। अबे सुबह से नहीं, कल से। कल से? हाँ। कल तो सोमवार का व्रत था दीदी का। दीदी दीदी आपके दोनों हाथों में कुछ होना चाहिए। ये लीजिए लाठी। हाँ, इससे तो और अच्छी मार पड़ेगी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ उन्हें। क्या समझते हैं आप? मजा आएगा। तुम दोनों मुझसे मेरे भाई की पिटाई कराना चाहते हो? अरे तुम्हें तो ऐसा जोर से मारूंगी कि सीधा तुम लोग पहुंचोगे दिल्ली। आहिस्ता आहिस्ता दीदी आहिस्ता, मुझे दिल्ली नहीं, मुझे आगरा। और मुझे मथुरा। आगरा मथुरा। बच्चों आओ मेरे नन्हे मुन्नू। अरे मेरी मौसी, क्या भूल गए कि आज रक्षाबंधन है? कैसे भूल सकते हैं, हम किसी बंधन को नहीं भूल सकते। मौसी तुम रक्षाबंधन की बात कर रही हो, हम कैसे भूल सकते हैं धीरू? सवाल ही नहीं उठता, रक्षाबंधन और हम भूल जाए, हो ही नहीं सकता। आज भी याद है? हाँ आज भी याद है, इसलिए हमने सोचा था कि क्या सोचा था कि हाँ यही कि आज रक्षाबंधन है, सबके लिए कुछ ना कुछ ले चला आए हैं जी। हम आज लेके आए हैं अपने काका के लिए साड़ी, मौसी के लिए कंबल। वीरू मेरे लिए साड़ी? अरे नहीं नहीं, ये क्या हुआ? काका के लिए कंबल, मौसी के लिए साड़ी। काका के लिए कंबल, मौसी के लिए साड़ी। देख रही है क्या? बड़ी लिख रहे हैं मिठाइयाँ पी रही है, आ भी रही है। आ रही है तो मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ चले? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों को। अरे इधर आओ। अरे वहाँ क्या भाग रहे हो? इधर आओ। ये क्या नाटक लगा रखा है? नाटक? नाटक नहीं तो और क्या, ये साड़ी, ये कंबल, ये मिठाइयाँ,
इन सब चीजों से बस्ती वालों का दिल बहल सकता है, मेरा नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ही हमारे जज्बात को नहीं समझती। बात यह है क्या बात है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह जानती हूँ। तीन तीन दिन तक तुम लोग घर से गायब रहते हो, मोहनलाल को भेजने के बाद आज तुम लोग घर आए हो। समझ के रखा है तुम लोगों ने अपने आप को? ये भी नहीं जानते कि आज रक्षाबंधन का दिन है। बहन बेचारी भूखी प्यासी तुम्हारे लिए सुबह से इंतजार कर रही है। आज अगर तुम्हारी सगी बहन होती तो क्या तुम लोग करते ऐसा उसके साथ? करते ऐसा अगर मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो? लेकिन तुम क्या जानो बहन के प्यार को, नाटकबाज कहीं के। तुम तो सिर्फ नाटक करना जानते हो, प्यार थोड़े ही। दीरू आओ गैत्री बहन आओ। क्या हुआ? मेरे घुटने में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, एक एस्पिरिन की गोली ला दो। नहीं मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं दबाने की जरूरत नहीं है। ये क्या? ये क्या? घुटना है, घुटना है, घुटना है। ये घुटना है? ये क्या, किसने रखी है ये दारू? तुमने रखी है? ये मैंने रखी। मैं समझ गया, ये धीरू, ओ धीरू मुझे मरवाना चाहता है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारा ये ड्रामा और नाटक। आइंदा फिर कभी इसे हाथ भी लगाया तो देख लूंगी तुम्हें। एक मिनट, इसके साथ ढक्कन भी है, ये लेके जा। जब देखो दारू दारू। हाथ नहीं लगाऊंगा, लेके जा। धीरू गायत्री बहन, ये देखिए कौन निकल आई। ये धीरू की कितनी बोतलें यहाँ रखी हैं। देखती हूँ कहाँ से पीछे। गुड गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो माय डार्लिंग। अय्या अय्या अब आएगी तो एक और भी है। धीरू। हाँ जी हाँ जी, आया जी, आया आया जी, आया। चाय वाला, गर्मा गर्म चाय। ओह माय गॉड, अगर मैं ससुराल चली गई तब तुम लोगों का क्या होगा? चलो उठो उठो। क्या हुआ क्या हुआ? चलो उठो, चाय ठंडी हो रही है। पहले उसको तो उठाओ। वीरू सुबह हो चुकी है, उठो। कौन कौन? उसको उठाओ, उठाओ उसको। फिर सो गए? गेट अप। बी जेंटल बी जेंटल। वो देखो फिर सो गया, बहुत दारू पिया था रात को। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है ये? मेरा सर दुख रहा है, सोने देना मुझे। उसको उठा, उठा उसको। वो उठ चुका है। अरे तुम फिर सो गए? चलो अभी नाउ गेट अप, उठ जा उठ जा, कहीं नहीं जाना, उठ जा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली, चलो उठो। तू अच्छी बहन है लेकिन लेकिन एक ही खराबी है। खराबी मुझ में नहीं तुम लोगों में है। ये सब क्या है? हाँ यहाँ देखो कपड़े, वहाँ देखो कपड़े। गायत्री कितनी मेहनत से चाय बना कर लाई है और तुम इसे ठंडी कर रही हो, जरा इसके बारे में भी सोचो। ये क्या मेरे बारे में सोचेंगे? पहाड़ जैसी बहन घर में बैठी है, शादी की उम्र हो गई है, कभी इसके लिए कोई लड़का वड़का देखा है? तुम्हारे पास इसका जवाब? मैं तुमसे भी पूछती हूँ, तुमने कभी कोई दूल्हा ढूंढा मेरे लिए? तुम जैसे निठल्ले भाइयों के भरोसे बैठी रही तो मैं सारी उम्र कुंवारी रह जाऊंगी। मैं चली। कहाँ चली? अपने लिए दूल्हा ढूंढने। क्या ऊंचा ख्याल है, ऊंचा भी और सुंदर भी। अरे अगर ये कहें तो मैं बिना दहेज के ही शादी करने को तैयार हूँ। मैं भी। अबे चुप्पे, शादी करने से पहले अपनी पढ़ाई कर लेना जरूरी है। जरूरी। और मैं तो अपनी पढ़ाई पहले पूरी करूँगा। तो हट जाओ पीछे, सबसे पहले मैं पढ़ाई पूरी करूंगा। तो बच्चों पढ़ाई शुरू करें। या फॉर ओके, अच्छी है, गहरी है, कोई भी डूब सकता है। बी फॉर बटन, अच्छा है। 36 24 36
और सीफर मुझे शर्म आती है, तू बता दे। मैं बताऊँ सीफर क्या होता है? अच्छा तो आपको मालूम है? हाँ, क्यों नहीं, सबको मालूम है। तो पहले मुझे बताइए। पहले आपको? नहीं, पहले मुझे बताइए ना। एक मिनट, पहले इनको बताओ। अच्छा बता दीजिए। आप ये पकड़िए। माय प्लेजर। हाँ तो सीफर होता है चांटा और डीफर होता है डंडा। अगर तुम लोगों को मेरे भाइयों का डंडा पड़ जाए तो ये जो खूबसूरत अंडे जैसी खोपड़ियां है ना, इनका बन जाएगा ऑमलेट। समझे? लाओ इधर। ऑमलेट तो तेरा आज हम बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। घबरो नका, आता हीरो आला। हिचाएला अबे गंडगोलो, फटे हुए ढोलो, अपने आपको क्या अमरीशपुरी के पोते समझते हो? समझते हैं। तो पिछले 15-15 सालों से साले फेल होते जा रहे हो, फिर भी लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आते? ये अपुन का धंधा है। बड़ा गंदा है ये, प्राण का भूत आप लोग के सिर से उतारना ही पड़ेगा। उतार दो। हीरोइन खतरे में है और उसे बचाने के लिए हीरो ठीक वक्त पे पहुंच जाता है। हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए डायरेक्टर ने तो बहुत ही घिसी पिटी सिचुएशन रखी है, लेकिन मैंने जमा दिया ना अपना सीन अपने स्टाइल से। जायला क्या बुलबुल, मैं तेरा हीरो बन सकता हूँ? जरा ये पीठ हटा दूँ। अब तो माफ कर दे मेरे बाप। क्या बस, नहीं अभी तो सिर्फ प्राण का भूत ही उतरा है। अरे अमरीशपुरी का भी उतर गया, उसके बड़े भाई मदनपुरी का भी उतर गया। अब और एक मजेदार बात सुन लो, अगर आज के बाद किसी लड़के को छेड़ा तो तुम्हारी टांग तोड़कर हवालात के खोटी पर ठांग दूंगा। मेरा नाम है ठांगे, अर्जुन रामोजी राव राणोजी राव शिवाजी राव गायकवाड़ जाडिच बुल ठांगे, बड़ो बड़ों को ठांग चुका हूँ, समझ लाज काय। थैंक यू। अरे सिर्फ थैंक्स? अरे कुछ तो दो यार, पी फॉर पपी। क्या क्या बात कर रहे हो? प्यार की बात कर रहा हूँ बुलबुल, जब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता है प्यार होना ही चाहिए, यही है सिचुएशन। अच्छा तो ये सब आपकी बनाई हुई सिचुएशन थी, तो इसका मतलब है वो गुंडे भी आप ही के थे। तभी मैं कहूँ कि हिंदी फिल्मी हीरो की तरह मेरे सामने एक सेकंड में धाम धूम धड़ाम धूम किस तरह कर रहे हैं मुझे पटाने के लिए। लेकिन याद रहे मिस्टर टांगे। सिर्फ टांगे नहीं, अर्जुन राव रामोजी राव राणोजी राव शिवाजी राव गायकवाड़ जाड़ी चुमुल टांगे। हाँ हाँ मिस्टर, इतने लंबे चौड़े टांगे। आपका ये जो लड़कियों को पटाने का स्टाइल है ना, ये हो चुका है पुराना, अभी ऑडियंस को कुछ नयापन चाहिए। नयापन? चलिए झाड़ियों के पीछे जाए। क्या झाड़ियों के पीछे जाने के लिए शादी? मैडम शादी के लिए तो मैं 5 साल से आपके पीछे टंगा हूँ, हर रोज आपके कॉलेज के चक्कर मारते मारते मेरे टांगे सब घिस गए। चक्कर मारने वाले मिस्टर घनचक्कर, शादी के लिए मिलो मेरे भाइयों से। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बहुत टंग चुका हूँ, अब वो नहीं टंग सकता। अब बताइए आपसे शादी करने के लिए हमें क्या करना है? अब आए ना लाइन पर मिस्टर टांगे, याद रहे मेरे भाई बहुत परफेक्ट हैं, एकदम वेल मैनर्ड वेल कल्चर्ड, बहुत पढ़े लिखे, एकदम इंग्लिश आदमी है, और उनके सामने तुम्हें भी वैसा बनना पड़ेगा। याद रहे सुबह ठीक 8 बजे इंग्लिश स्टाइल में गुड गुड कपड़े पहनकर दाढ़ी बनाकर टिप टॉप बनकर आना, ओके, फ्रेश होकर। बाय बाय। फ्रेश होकर? और मैं बहुत मुश्किल है।